अमृतसर की स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है। एसटीएफ मुखी आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर समरजीत सिंह गग्गी नाभा जेल ब्रेक में फंडिंग करने वाले रमनदीप सिंह रोमी का गुरु है और उसके साथ मिलकर इन्होंने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अपहरण को अंजाम दिया था। फेसबुक पर लगातार गैंगस्टर की ओर से पुलिस को खुली चुनौती दिए जाने पर एसटीएफ मुखी ने कहा कि यदि गैंगस्टर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पुलिस भी इसका इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही शेष गैंगस्टर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसटीएफ पंजाब ने एक अभियान के तहत एक इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है, जिस गैंग का लीडर है सिमरनजीत सिंह एलियास गग्गी। गग्गी के दोस्त साथी गिरफ्तार हो गए हैं। इनके पास से कई फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, जिसमें पिस्टल और रिवॉल्वर और एक राइफल भी है। और इस गैंग ने बरनाला ज़िले के भदौड़ में 19 और 20 तारीख की मध्य रात्रि को एक घर में, मतलब उनके घर के सामने जाकर के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, पर्सनल राइवलरी के तहत। 19 और 20 फरवरी की बात है, 3 दिन पहले की बात है। तब से एसटीएफ इनके पीछे लग गई थी। जिला पुलिस की मदद से हम लोगों ने इस गैंग के मेन लीडर जो गग्गी है उसको गिरफ्तार कर लिया। और ये गग्गी है रोमी के साथ मिल करके इंटरनेशनल गैंग बनाया हुआ है और इंडिया के 3 लोगों को इन्होंने हांगकॉन्ग में किडनैप किया था 2013 में। वहाँ भी इनके 5 साथियों की को सजा हुई है और ये वहाँ भी वांटेड है इस केस में। इनके केस का जो यहाँ तक सवाल है, इसमें इन्होंने अपना जो था आर्म्स जो है इन्होंने फर्जी तौर पर जमा किया था, कागजों में जमा करा दिया, रसीद ले लिया, लेकिन आर्म्स इनके पास रहा। और इनके पास टेलीस्कोपिक गन वगैरह है, तो काफ़ी मैंने फायर पावर इनके पास ज़्यादा है। आपको भी पता है कि इंडिया में नोटबंदी हुई है, तो नोटबंदी के चलते पैसे की कमी हो गई है लोगों को। तो जितने ये क्रिमिनल्स जो हैं, गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, बहुत इजीली जो पैसा इनको मिलता था उसमें थोड़ी कमी जरूर आ गई है, इसलिए ये पैसे के लिए डेस्परेट हो गए हैं।